नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गोर में। दोस्तों, भारत में निकलने वाली सभी योजनाओं की जानकारी व भारत में निकलने वाली हर एक भर्ती की अपडेट, चाहे वो छोटी भर्ती हो या चाहे बड़ी भर्ती हो, सभी की जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको 1 भी रुपए चार्ज नहीं दे रहा, पूर्णतः निःशुल्क है। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो भर्ती से रिलेटेड नोटिफिकेशन एंड योजनाओं से संबंधित जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के ऐसे 20 से 25 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी खाद्य विभाग की भर्ती बाकी है, ठीक है, उनमें खाद्य विभाग की भर्ती होना है। तो कौन कौन से जिले हैं, किस विकास खंड के अंतर्गत, किस गांव में ये भर्ती होना है, उसकी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पोर्टल की ओर। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो यहां पर आपको सर्च करना है एम राशन मित्र। क्या सर्च करना है दोस्तों? एम राशन मित्र, ठीक है, एम एम राशन मित्र लिखकर आप जैसे सर्च करेंगे, यहां पर आपके सामने मध्य प्रदेश स्टेट फूड सिक्योरिटी पोर्टल एम राशन मित्र पोर्टल यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप यहां पर आपको कुछ देर वेट कर लेना है। यहां पर आपके सामने एक नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस हो जाना है, यहां पर इसको हटा देना है। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मध्य फूड सिक्योरिटी पोर्टल राशन मित्र पर आप एंटर हो चुके हैं। यहां पर सबसे ऊपर आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ देर वेट कर लेना है। यहां पर आपको सभी मेन्यू जो है वो दिखाई देगी। उसके बाद अगर आपको वहां से आपके मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहां पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर भी ये ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए, नवीन विज्ञप्ति है, नवीन उचित मूल्य की दुकान की स्थापना एवं आवंटन के लिए नवीन विज्ञप्ति है। खरगोन जिले की है, पन्ना जिले की है, ग्वालियर जिले की है, सिंधी जिले की है, खंडवा जिले की है। एंड यहाँ पर आपको पूरी विज्ञप्ति देखनी है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, वो सभी विज्ञप्ति देखें। इस पर आपको क्लिक कर देना, जिससे आपके सामने एक और नया पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जिला सिलेक्ट कर लेना है, जैसे पन्ना जिला में है या उज्जैन जिला में या खंडवा जिला में, तो यहाँ पर हम खंडवा सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। खंडवा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आप अपने खुद के नगर पंचायत जोन में देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, या आप इस प्रकार से देखना चाहते हैं कि पूरे जो है वो खंडवा में कौन कितनी भर्ती निकली है, कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। विज्ञप्ति देखे पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इससे आप देख पाएंगे कि जनपद पंचायत पन्हाना में ये भर्ती निकली है, ठीक है। अगर आप इसका विज्ञप्ति क्रमांक देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि पूरे जिले की पूरी लिस्ट कहाँ से आएगी, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले होम पेज पर चले जाना है, ठीक है। होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपसे कितना बोला था, 20 से 25। यहाँ पर टोटल दोस्तों 47 ऐसे जिले हैं जहां पर यह भर्ती निकली है। 47 जिले में यह भर्ती निकली है दोस्तों, ठीक है। 47 जिलों में यह भर्ती लेगी और सभी की लगभग लास्ट तारीख 20 से 25 नवंबर 2024 है, ठीक है। कितनी है टोटल यहाँ पर जो है वो 47 जिलों में यह भर्ती निकली है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो जरूर से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्वालियर की है और निकाय क्या लगती है, निकाय मतलब जनपद पंचायत मोरन, ठीक है। ग्राम पंचायत अगर हम देखें तो काशीपुरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चिन्हित दिखानी अब कब पता चला कि 14/11/2024 को इसमें पता चला कि इसमें यह पद खाली है यहाँ पर, ठीक है। और नवीन दुकान के लिए यह पद है, वो दुकान प्रारंभ कब से करना, आवेदन दुकान आवेदन प्रारंभ की तिथि क्या है, 14/11/2024 से 27/11/2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर पन्ने की बात करें तो अतिरिक्त दुकान यहाँ पर नई दुकान नहीं खोलना है, यहाँ पर एक दुकान है, उसके अतिरिक्त और दुकान खोलना है। लगभग यहाँ पर सभी अतिरिक्त दुकान है और नई दुकान है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना जिला देख सकते हैं, जैसे कि हमारे हरदा जिला में है टिमरनी में, ठीक है, टिमरनी के गुल्लास में है और बाजिनिया में है। नर्मदापुरा में अगर हम देखें तो अमाड़ा में है, ठीक है, अतिरिक्त दुकान है। और लगभग यहाँ पर 21 जो है वो सभी के लास्ट तारीख 21 नवंबर से आप पहले आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको इसका लाइव आवेदन करके दिखाना है तो आप जरूर से कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा अगर आपके कमेंट आते हैं, आपका प्यार आता है, तो हम जरूर इसमें लाइव आवेदन आपको करके बताएंगे कि आप इसमें किस प्रकार से अपना जो है वो आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप फूड सिक्योरिटी पोर्टल में आवेदन करना चाहते हैं तो जरूर से कमेंट करिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको भारत की सभी वैकेंसी और योजनाओं की जानकारी चाहिए तो चैनल को जरूर से कर लीजिए सब्सक्राइब। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।